तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त बेंजो। जी हाँ फ्रेंड्स, बेंजो आपने सही सुना, जो कि मार्केट में 20 से 25 हज़ार का आता है, लेकिन हम घर में बनाएंगे लगभग 2000 के बजट में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें प्लाई लगेंगी। तो फ्रेंड्स, प्लाई की जो साइज़ है वो मैंने 12 इंच रखी है, क्योंकि हम इसे कट करेंगे तो 10 इंच पर आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा लेना है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी कॉपियन आती है उसके जो बीच के पेज आते हैं दो, उसे फ्रेंड्स फाड़ लेंगे। और उसके बाद उसे हमने जितना लिया है, जैसे कि हमने हमें 10 इंच लेना है, तो उसका आधा यानी 5 इंच लेना है हमें। और जैसे आप अगर 12 इंच का बना रहे हो तो आपको 6 इंच लेना है। और ऐसे में आपको जितनी लंबी डिज़ाइन रखना है उतना लेना है। तो मैंने 9 इंच लिया है। तो फ्रेंड्स, हम इसे कट कर देंगे कैंची की मदद से आसानी से। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाना भी बहुत आसान है और हमारा बेंजो भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी बॉडी की पूरी जानकारी देंगे और कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा आपको मैं। और फ्रेंड्स, इसकी हर एक चीज़ स्ट्रिंग को छोड़ के सब घर बनाएंगे हम, वो भी सिंपल चीज़ों से। तो फ्रेंड्स, उसके बाद डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक पीवीसी का 5 इंची का पाइप ले लिया है। और उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से रख के पेंसिल से मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आसानी से आप घर में बना सकते हो बेंजो को, कोई आसान कोई कठिन बात नहीं है। सॉरी, तो कुछ इस प्रकार से आप इसे लाइन खींच दीजिए। और आपको याली डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती है तो आपको जो डिज़ाइन लगे आप वो भी रख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको यही डिज़ाइन रखना है, आपको अलग अलग जो डिज़ाइन पसंद है आप वो भी रख सकते हो, लेकिन ये अपने मैंने खुद से बनाई है वाली डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा उसको अच्छे से और बनाया है। कैमरे के सामने फ्रेंड्स में से इतना अच्छा नहीं बन पाया, तो आप डिवाइडर की मदद से भी इसे अच्छे से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब जो हमने काटी है वो सॉरी लाइन पाड़ी है उसे हम काट देंगे अब। तो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी जो डिज़ाइन है वो कट जाएंगी। और फ्रेंड्स, खोलेंगे देखिए दोनों तरफ बराबर आएगा। अगर हम एक तरफ लेंगे फिर दूसरे तरफ करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें हमारा इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन इसमें दोनों साइड एक्यूरेट आया एकदम। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है हमारा बेंजो अगर एली डिज़ाइन में अगर लगाएंगे तो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जो पेपर है डिज़ाइन बनाई है उसे हमें चिपकाना है। फ्रेंड्स, फेविकोल या फिर अदर ग्लू की मदद से हम इसे चिपका देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी जो आपको बाहर नुक्की निकली दिख रही है उसे भी हम छोटा कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो बहुत बड़ी है ये फ्रेंड्स चली नुक्की। और फ्रेंड्स, हम आरी की मदद से जल्दी से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें यार सिंपली 10 रुपये या 5 रुपये की आरी आपको मिल जाती है, तो आप फ्रेंड्स उसी से काट सकते हो। आपको उसके लिए जिग्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, इसे काटने का तरीका बता देता हूँ आपको डिज़ाइन को। सबसे पहले हमें लाइन में काटना है इसे, और उसके बाद इसे आड़े करके हम काट सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स, जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही आप करेंगे तो आपका ज़रूर से डिज़ाइन अच्छे से बन जाएंगी। और बाद में अगर आपके पास एंगल ग्राइंडर होगा तो आप उससे घीस लेना, और नहीं होगा तो आप जो प्लाईवुड का काम करते हैं उनसे आप करवा सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी चीज़ों की जानकारी दी है, तो आप जाके भी देख सकते हो आपको क्या क्या लगेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हम जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने, तो इसे हम जल्दी से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसे प्लाई की मदद से अच्छे से काट लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद दूसरी साइड को भी अच्छे से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, देखो फ्रेंड्स कितनी जल्दी काट दिया। उसके बाद हम एंगल ग्राइंडर लेंगे और उसमें 80 नंबर के पत्ते से हम इसे अच्छे से खींच लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें काटना है। तो फ्रेंड्स, इधर से हमारा 7 इंच रहेगा और जो आखिरी कॉर्नर है उधर 5.5 इंच रहेगा, यानी कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, हम नाप लगा लेते हैं।
फ्रेंड्स जब इसकी बॉडी बन जाएगी उसके बाद भी मैं आपको एक नाप बता दूंगा इसका कैसा क्या है। तो फ्रेंड देख सकते हैं और हमें लेना है कुल 32 इंच। फ्रेंड आप ज़्यादा भी ले सकते हो। फ्रेंड्स अभी से हम प्लाई की मदद से सॉरी कटर की मदद से काट लेंगे क्योंकि आरी में तो बहुत टाइम लगेगा इसलिए। तो फ्रेंड्स हम पहले तो एक लाइन खींच देते हैं। फ्रेंड्स हमें थोड़ा ज़्यादा काटना है क्योंकि हम अगर इसके ऊपर एक और प्लाई आएंगी उसे घिसने के लिए तो उसमें हम सेट कर देंगे इसे, इसलिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है। तो फ्रेंड्स हम चलिए अब चलते हैं अब प्लाई कटवाने। फ्रेंड्स अब हमारी जो प्लाई है वो कुछ इस तरीके के शेप में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अब जो कग्गज का डिज़ाइन था देख लीजिए थोड़ा हमने ज़्यादा रखा है। उसके बाद कग्गज का जो है उसे हम निकाल के फेंक देंगे क्योंकि उसका काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स अच्छा दिख रहा है हमारा ये। उसके बाद फ्रेंड्स हमें 18 mm की एक और प्लाई लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स 18 रुपये की मेरे को 100 रुपये में मिली है अली प्लाई जो फ्रेंड्स जिस पर हम ये काम कर रहे थे। और एल प्लाई आपको लगभग 200 या 250 रुपये की आराम से मार्केट में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स ये 10 mm प्लाई थी जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। उसके बाद हमने 18 mm एक और प्लाई ली है। तो फ्रेंड्स सेम उसी के साइज़ की हमें काट लेना है। फ्रेंड देख लीजिए स्पीड हमारी। फ्रेंड्स इसे भी हमने वही स्टाइल से काटा है बस थोड़ी छोटी रही थी तो हमने पीछे एक 1 इंची का लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें दोनों को आपस में फेविकॉल से लगा के से कील ठोक देंगे इसे ताकि ये मजबूत हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास लकड़ी है इतनी मोटी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमें फेविकॉल मरीन ले लिया है जिसे हम अच्छे चिपका देंगे। वाटरप्रूफ वाला है। 1 किलो का डब्बा आपको मार्केट में आपको लगभग 250 रुपये का मिल जाता है जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हमें लगा लेना है और कील ठोक देंगे हम इसमें। मोड़ गई यानी उसके बाद फ्रेंड्स हमें और कील ठोकना है मजबूत करने के लिए। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने ये ऊपर के लिए सनमाइका लिया है। याला आपको 100 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। और उसके बाद ये याला यारो फ्रेंड सस्ता है 50 रुपये का मुझे जो मिला है। तो फ्रेंड दोनों को पहले हम काट लेंगे साइज़ में कि हमारे बेंजो के नाप का। फ्रेंड जो लाल वाला है उसे हम मल्टी कलर में यूज़ करेंगे लेकिन पीछे वाइट कलर करेंगे और सामने साइड रेड कलर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम अच्छे से काट लेते हैं माइका कटर की मदद से। फ्रेंड्स बहुत आसानी से कट जाती है माइका कटर की मदद से। अगर आपके पास नहीं हो तो आप उन्हीं से काट सकते हो जहाँ से आप ये लाए हो। और फ्रेंड्स दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। फ्रेंड्स आसानी से कट जाती है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये यूं थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए क्योंकि हमें घिसाई पे हमें एकदम फिनिशिंग सही देना है। तो फ्रेंड्स कट चुका है। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स याले शेप में कुछ आ चुका है ये। और इसी प्रकार हम दूसरा भी ब्लैक वाला भी काट लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी हम फटफड़ा काट देते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा शेप में आ चुका है। और फ्रेंड्स हम सबसे पहले दोनों को फेविकॉल से चिपका देंगे। उसके बाद इसका जो टेप आता है सनमाइका का वो लगा देंगे। तो फ्रेंड्स याद रखें फेविकॉल आपको अच्छा लगाना है नहीं तो बीच बीच में गेप बन जाएगा क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं होगा फिर बाद में आवाज़ अच्छी नहीं आएंगी उसमें। फ्रेंड्स माइक फेविकॉल में कोई कमी ना छोड़े आप। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें अच्छे से फेविकॉल लगा के टेप लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो एक साइड के चिपकाएंगे दूसरी साइड का। तो फ्रेंड्स अब हमने चिपका दिया है, तो फ्रेंड्स अब थोड़ा घिसना भी ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो फ्रेंड्स याद रखिए तो हमें थोड़ा बड़ा रखना है, ये बार 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 बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर छोटा हो गया तो आपको पूरा मायका भी ख़राब हो सकता है और आपका बेंजू भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स दूसरी साइड में हम पहले तो फेविकोल लगा के चिपका देंगे, उसके बाद टेप लगा देंगे। फ्रेंड्स लगा दिया मैंने और इसे भी हम अच्छे से चिपका देंगे। तो उसके बाद हमें टेप आता है फ्रेंड्स, आपको प्लाईवुड की दुकान पे 20 रुपये का मिल जाएगा, पेपर टेप रहता है फ्रेंड्स से। तो इसे भी हम सब तरफ अच्छे से चिपका देंगे थोड़ा टाइट करके ताकि बाद में। और फ्रेंड्स लगभग हमें एक दिन तक रखना होगा इसे, तब जाके अच्छे से सूख जाएगा। और फ्रेंड्स हमें इसे टाइट करना है, ढीला नहीं रखना है। फ्रेंड्स देख लीजिए मैंने पूरा रख दिया इसे, अब हमें एक दिन का इंतज़ार करना होगा। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारा एक दिन कंप्लीट हो चुके हैं और हमने टेप भी निकाल दिया है। और फ्रेंड्स अब इसे हम फाइल की मदद से घिस देंगे कुछ इस प्रकार से। और फ्रेंड्स आप एंगल ग्राइंडर से ना घिसे क्योंकि हमारी प्लाई भी शेप भी कर सकता है प्लाई का। तो फ्रेंड्स अब हमारे कंप्लीट हो चुका है आज का। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।